एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बुजुर्ग शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बुजुर्ग शहरियों का वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने, सेंटर के बाहर बैठने, व्हील चेयर्स और पानी का इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया है। सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स लेंगे राहत इरशाद हुसैन से। जी राव, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर बुजुर्ग शहरियों की कसीर तादाद आज छठे रोज़ भी पहुँची है। मेरे अकब में आप और दाएं बाएं लंबी कतारें देख सकते हैं। इसी तरह से ट्रैफिक भी सूरत हाल है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो इंतज़ामिया के गोश्तवार करवाना चाहते हैं सीनियर सिटीज़न। जी बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? जी मैं वलंशिया से आया हूँ। ठीक है, क्या इशूज़ हैं अभी आप डिस्कस भी कर रहे हैं? मैं कह रहा था एक तो चेयर्स, यहाँ बुजुर्ग शहरी बहुत हैं जो खड़े खड़े थक जाते हैं। दूसरा व्हील चेयर्स की तादाद बढ़ाई जाए, बहुत कम है। ठीक है। और तीसरा पानी का इंतजाम किया जाए, बॉटल्स रखी जाए। नहीं कम है ना, इधर देखे ना, इधर लोग जो खड़े हैं। हाँ, तो इधर बाहर भी हो इंतजाम पानी का, तो चलें ये और अच्छा इंतजाम करें। वो अंदर तो ठीक है। आप बताइएगा क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ अंदर स्प्रे वगैरह करते हैं, इसलिए हम लाइनों में खड़े होते हैं, और अंदर इंतजाम बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत खुशी है। और जो बुजुर्ग शहरी है वो इधर चेयर्स पड़ी है, वो इधर आकर बैठे। मुझे मोरों का मसला है, देखे मैं इधर आके बैठी और एक दूसरे की मदद कर देते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे की मदद भी करें, अप्रिसिएशन भी की जा रही है इंतजामिया की, और मुतालबात भी किए जा रहे हैं कि पानी भी यहाँ पर मजीद भी होना चाहिए, चेज और इसी तरह से ये लंबी कतारें आप देख भी सकते हैं। फिलहाल बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की आज छठ पहुंची है। ठीक है, राहुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया।